हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताएंगे और दिवाली आने वाली है, इस दिवाली आप घर पर ही ट्राई कीजिएगा बेसन के लड्डू बनाना। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक कटोरी घी लिया है, एक कटोरी शुगर पाउडर ले लिया है, एक कटोरी ड्राई फ्रूट लिए हैं और एक कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक पैन ले लेंगे जिसमें घी ऐड करेंगे और इसको हमें अच्छे से गरम कर लेना है। यहाँ एक कप हम बेसन ऐड करेंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए हल्का हल्का सा इसको भूनना है। लो फ्लेम पे हम इसको भूनते जाएंगे, इसको चलाते हुए भूनना है ताकि ये नीचे लग ना पाए और अच्छी तरह से भून जाए। इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इसी तरह आप लोग भी इसको लो फ्लेम पे अच्छे से भूनते जाना। फिर इसको हमें ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। याद रखिए हमें पहले इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद शुगर पाउडर ऐड करनी है। इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं की है, पर उससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से राउंड करते जाएंगे और इसको गोल गोल सा शेप दे देंगे। अच्छे से सभी को हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो मैंने सभी लड्डू इसी तरह से बनाए हैं, तो भाई छोटे हो या बड़े सभी को तो बहुत पसंद होते हैं बेसन के लड्डू। तो ज़्यादा सोचिएगा मत, झटपट से मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और फटाफट से इसको बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। तो मैंने सभी लड्डू इसी तरह बना लिए हैं, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। आप लोग भी इंजॉय करना और फटाफट से ट्राई करना। तो लीजिए हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंजॉय करना एंड बाय बाय।